देख राघव, जितनी भी गलती हुई मेरी तरफ से, मैं उन्हें ठीक करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी नौकरी LIC में करवा दूंगा, 10 पॉलिसियां भी दिलवा दूंगा, बीवी को समझा दूंगा, जो जिंदगी चाहिए सब कुछ दिलवा दूंगा। मुझे उमर कैद चाहिए तेरे मरने के बाद, देगा? What? हेलो राघव, के मीटर तूने बहुत डाउन किए, तेरा मीटर अब मैं डाउन करूंगा। काले और पीले रंग के अलावा तू देख, मैं तुझे क्या क्या रंग दिखाता हूं। आज जिस रंग से होली खेलनी है खेलना, तू राधा मैं किशन, तैयार हूं, जो होगा देखा जाएगा। भैया बड़ा कोई भुक्कड़ आदमी है जिसको पैसे की जरूरत है। ये बंटी भैया की आंखें थोड़ी एनलाज करके देखे तो उसमें उसकी छवि नजर आएगी ना। इसकी तो आंखें निकालनी पड़ेगी तब पता चलेगा। मैं समझा नहीं। हनुमंत, एक जंगल में एक शेर और लोमड़ी की बहुत जमती थी। लोमड़ी शेर को हंसाती थी, उसके पैर दबाती थी, शेर भी खुश था, जो भी शिकार करके लाता था थोड़ा बहुत लोमड़ी को भी दे देता था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि शेर को शिकार नहीं मिला। दोनों भूखे प्यासे जंगल में घूमते रहे। उन्हें एक तालाब दिखा, दोनों उछल पड़े बेटे। पर तालाब के चारों तरफ जो पेड़ थे उन पे अंगूरों की बेल चढ़ी हुई थी और सालों से अंगूर पक पक के टूट टूट के तालाब में गिर रहे थे और सड़ रहे थे। तालाब का पानी शराब बन गया। दोनों छक्के पिया, टुन हो गए तो नींद आ गई। अब शेर सो गया तो लोमड़ी भी सो गई उसकी गोद में। अब शेर तो शेर, उसकी आंख पहले खुल गई। उसने देखा लोमड़ी मेरी गोद में सो रही, उसे बड़ा गुस्सा आया, एक दिया उसकी कनपट्टी पे, लोमड़ी वहीं मर गई। इस बात का सार ये निकलता है कि लोमड़ी को शेर के आगे नहीं पीनी चाहिए थी, और अगर पी भी ली तो उसकी गोद में नहीं सोना चाहिए था। तन्ने शेर की गोद में सोने की कोशिश करी है।
सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत तो तुझे है, हाँ? अपनी फैमिली को न्यूजीलैंड भेज रखा, खुद के वीजे के लिए अप्लाई कर दिया, नौकरी से रिजाइन कर दिया है, नोटिस पीरियड पे चल रहा है, जिंदगी भर का पैसा इकट्ठा करके फूट लेना चाहता है और हमें गणित समझा रहा है। ठीक ही कहा आपने, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले पूछ तो लिया होता। सच कि हमने हमारी फैमिली को परदेश भेजा क्योंकि उनको जान का खतरा था। हमारे घर पर हमला हुआ, अखबार में खबर छपी, आपने एक फॉर्मेलिटी करके पूछा, फिर भूल गए। सच है कि हमने इस्तीफा दिया है क्योंकि हमारे दोस्तों से ज्यादा दुश्मन हैं जो आपकी सेवा करने की वजह से बने हैं। क्या नहीं कि हम मुजफ्फरनगर के कैंडिडेट को एक्सीडेंट करवा के मारा ताकि आपका कैंडिडेट जीत सके, रेलवे टेंडर के चक्कर में जफर इकबाल को टेररिस्ट बना के मारा, मैरवली की जमीन के लिए गुप्ता बिल्डर्स को मारा, आपकी भतीजी का इस जिस लड़के के साथ उसको मारा, अली को मारा, ऐसी बात नहीं आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली से कभी तबादला नहीं होने दिया, इंक्वायरी नहीं होने दी, पैसे भी खूब कमाए हमने आपकी वजह से। हम भाग रहे थे, पैसे की जरूरत थी, हमने सोचा आपका मूड ठीक होगा, हम मांग लेंगे, खून का रिश्ता है हमारा, अपने इल्जाम लगा के आज उसे खत्म कर दिया। आपके दुश्मन भी यही चाहते थे। ठीक, वतन छोड़ने से पहले मिलने जरूर आएंगे। अब भी आपको लगता है कि बंटी भैया को हमने अगवा किया है तो मार दीजिए हमें। आप हमें मार नहीं रहे क्योंकि आपको लगता है कि बंटी भैया हमारे पास है, अगर मार देंगे तो बंटी भैया कैसे मिलेंगे आपको? कंप्यूटर का जमाना है लेकिन हम पुराने ख्यालात के हैं, हमें इस तरह का लैपटॉप पसंद है। शट अप साले, तेरे आंखें बहुत बोलती है, गाली दे रही है, ऐसे देखेगा ना तो ये गेम छोड़ के तेरा गेम बजा दूंगा। ए! बात करनी है बात कर, धंधा करना है धंधा कर, गोली चलानी है ना गोली चला। माल अच्छा है, बाकी कहाँ है? बाकी एक हाथ दे एक हाथ ले। ट्रेलर अक्सर अच्छा होता है, फिल्म बकवास निकलती है। तो फिर टिकट मत करिए, चल 75 लाख, 1 करोड़। ये जो तेरी उंगली है इसे अपने कान साफ कर और ध्यान से सुन। मैं लेडीज लोग के साथ शॉपिंग नहीं करता है, पता है क्यों? भाव तोल बहुत करते हैं। आप कौन? जय मित्तल। अरे आप तो वही ना जिनकी न्यूज आज सुबह से टीवी पे आ रही है, आपको तो कोर्ट पहुंचना था, आप इधर क्या कर रहे हैं? बताइए वो आदमी कहाँ है, मुझे उसे मिलना है। यही यही यही, ये इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, उसको उसको पकड़ो, अंदर भेजो, इधर 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 भेजो अंदर मेरे पास। यही था ये भाग गया था, भगोड़ा है ये बैंड बॉक्स, भेजो इसको। साहब मैडम साहब, ये हथकड़ी लो, हथकड़ी। हाँ मालूम है,
मैं तुझे छुड़ाने आया हूं। तो मुझे क्या बोलता है? हवलदार को बोल, इस ताले की चाबी मेरे पास नहीं है, उसके पास है। उसकी फिक्र तू मत कर। एक ताला तू मेरा खुलवा दे, एक ताला मैं तेरा खुलवा देता हूं। आ गया ना लाइन पे? मैं जानता था तू मेरे लिए नहीं, खुद के लिए आया है। बहस करने से क्या फायदा, हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बता चाबी कहाँ? चाबी तो है मेरे पास, लेकिन अभी मेरी गाड़ी तुझे कहीं छोड़ने के कंडीशन में नहीं है। मैं उस चाबी की बात नहीं कर रहा हूं जिसे तेरी गाड़ी चलती है, मैं उस चाबी की बात कर रहा हूं जिसे मेरी गाड़ी चलेगी। इस तरह की तो कोई चाबी नहीं है मेरे पास। देख बहुत हो गया तेरा नाम। ए, उंगली मत दिखा। बहुत प्यार से बात कर ली मैंने, सीधा बता चाबी कहाँ, वरना तेरी जिंदगी के सारे ताले बंद करवा दूंगा। तू बंद कर देगा ना? मैंने तो कब के बंद करवा दिए। फेंक दी चाबी समुंदर में। अब जा, कूदी मार गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर। नेवी की मदद ले ले तो भी तेरे को चाबी नहीं मिलेगी। जा साहब, ये देखो देखो कैसा करता है। क्या हुआ? क्या इसके पास मेरी चाबी है जो नहीं दे रहा है? औकात दिखा रहा है अपनी। हाँ दिखा दिया औकात। फेंक दी चाबी पानी में। एक मिनट, क्या करेगा फिर? एक मिनट, तलाशी ले इसकी। हो साइड। इसकी तलाशी लेने को बोल रहा था ना, अब ये लगा तेरी तलाशी। अभी भी बोलता हूँ, 500 रुपए उसके जेब में है। चुप करना रे, चुप करना। ए, तू चाबी ढूंढ रहा है कि ताला ढूंढ रहा है? चल हट। अबे ठीक तरह से खड़ा रहे ना, देखने देना। साहब चाबी नहीं है। ठीक से देखा आपने? ठीक से देखा ना, आपके सामने तो देखा ना। बारा यह आदमी बहुत कमीना है इंस्पेक्टर, चाबी इसी के पास है, हम सबको बेवकूफ बना रही है। अरे आपके सामने तो तलाशी ली, अब नहीं है चाबी तो क्या करें हम लोग? अभी जाओ उधर गेटवे ऑफ इंडिया पे जाओ, गुदी मारो लंगोटी पहन के, फिर भी नहीं मिलेगी। क्या करो यहाँ पे? छोड़ो देखो, छोड़ो पुलिस स्टेशन में लगाना नहीं, चलो घर चलो। इंस्पेक्टर इसके ऊपर लगा दो, पैसे मैं दूंगा। चलो देखो, डर गया मेरे को, बाहर निकलूंगा तो इसकी वाट लगाऊंगा ना, डर गया। देखो इतना बोलता है। अरे क्या कर रहे साहब आप? छोड़ दो उसको, चलो निकलो यहाँ से। देखो 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 साहब, देखो ऐसा आदमी है, चल घर में जाके बाल बना। चल उंगली मत दिखा, उंगली मत। देखो साहब खाओ खाओ ऐसा कर, कुर्सी भी निकाल दिया। देखो अरे मेरे बाप चुप कर। चिकनी चिकनी नई नई नोटों की चमड़ी चिकनी, बिकनी बिकनी दुनिया है इनके दम पे बिकनी। दिल है नरम तो खाएगा जख्म तेरा, लॉस किसी और का फैन। ऊपर क्या कर रहे हो? नहीं मेरा इंश्योरेंस नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे एजेंट को मिली, ये मेरी बीवी है एजेंट, सब कुछ यही है, मैं सिर्फ लिखता हूँ। आते हो या पहले किसी डॉक्टर को बुला, फिर मैं नहीं चाहूंगा। ओके ओके, कम 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 कम। नहीं ये कुत्ते का डॉक्टर है, मुझे कुत्ते की मौत मारेगा, मैं नहीं आऊंगा। वैसे मैंने आपको हीरो समझ के लिखा था सब कुछ, 3-4 फाइट्स थी, 4 गाने थे, 1 आइटम सॉन्ग था, 2 चेस थे, 3-4 बेड सीन भी थे वो, लेकिन वो डायरेक्टर है ना, उसने चेंज कर दिया। आप तो जानते हैं यहाँ राइटर की कौन सुनता है। ले थैंक्स, म्यूजिक लगा, दारू पी और अपने घर जा, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे कहाँ दिलचस्पी है तुम्हारी शक्ल देखने में। तो पहले से ही ऐसा है क्या? कितना नुकसान हो गया है तेरा? 300 करोड़। 300 करोड़? 3 पर कितने जीरो मालूम है? खुद कमाता तो मालूम होता। तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? मेरा नुकसान अपने सूद के साथ बांद्रा से नासिक जा रहा है 11:30 बजे की गाड़ी से, बर्थडे के दिन डबल तोहफा।
आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। चीयर्स। हम दोनों ढक्कनों को आज के दिन ही पैदा होना था। मेरी जमानत क्योंकि पे जो नकली कॉपी चिपकी है ना, वैसे ही रहने दो। मेरे खाली घर की तरह तुझे सिखाती रहेगी। नो नीड टू से थैंक्स, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। जो अपने करोड़ पे, मैं अपने रोड पे, मजे करेंगे। बाय।